नमस्कार, जय हिंद। मुझे प्रदेश के कई शिक्षकों द्वारा सूचना लगातार प्राप्त हो रही है कि इस आपातकाल समय में भी बिहार सरकार द्वारा कई माह पूर्व से शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे परिवार के भरण पोषण की समस्या बिहार के शिक्षकों में उत्पन्न होता जा रहा है, जो काफी चिंताजनक है, क्योंकि समाज, प्रदेश और देश की गुणवत्ता शिक्षा पर ही निर्भर करता है। और मैं भी मानता हूं कि करीब 2 माह पूर्व से बिहार राज्य के शिक्षकों द्वारा कई मांगों को लेकर जगह जगह हड़ताल किया गया, जो भारतीय संविधान में निहित अधिकार है। शिक्षकों की मांग पर विचार न करना शिक्षकों के अधिकारों का अतिक्रमण है। मेरी सरकार से अपील है कि शिक्षक संघ और सरकार यथासंभव उचित समय निकालकर आपस में बैठकर उचित समाधान निकालें तथा उनके संवैधानिक अधिकारों का उपचार करें और मानवीयता के आधार पर शिक्षकों को आर्थिक सहयोग दी जाए। ये हैं, परंतु सरकार को ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि शिक्षक ही देश और दिशा को अपने योग्यता के बदौलत बच्चों में प्रतिभा का विकास करते हैं, जिसका ही देन है कि दुनिया भर में ज्यादातर IAS, IPS समेत कई अहम पद पर बिहार प्रदेश का ही जलवा होता है, जिसका नींव किसी भी प्राथमिक विद्यालय से ही शुरू होता है, जिसके साथ बिहार सरकार समय पर वेतन भुगतान नहीं कर अन्याय कर रही है, जो निंदनीय प्रतीत होता है। अतः मैं एक राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन में बिहार प्रदेश की ओर से बिहार सरकार से इस आपातकाल समय में प्रदेश के सभी शिक्षकों के परिवार के भरण पोषण हेतु मानवीयता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। धन्यवाद।